अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्राइट होंडा सेंटर मेन जीटी रोड गखर मंडी पे, और आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है होंडा सिटी 70 2023 का ब्लैक कलर। और आज मैं स्पेशली पब्लिक डिमांड पे, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया होंडा सिटी 70 2023 मॉडल की रेड कलर की जो मैंने वीडियो बनाई, उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई जान आप ब्लैक कलर की जो है ना वो भी वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको दिखाऊँगा जो ब्लैक कलर की लुक है ना वो किस तरह की लगती है। तो आज की इस वीडियो में इसकी लुक ही दिखाऊंगा, ग्राफिक्स। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा, जो आज की वीडियो है ना इसका मैं बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करूँगा, इसकी क्वालिटी वगैरह, इसकी जो कुछ चीज़ें वो भी दिखाऊंगा। इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ या ऐसा कोई सीन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई तब्दीली तो है नहीं, तो सिर्फ आप ग्राफिक्स ही दिखा दें, एक्चुअली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी उनको पता चल सके। या फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बाइक में इतना इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने पहले वीडियो, पहले जो होंडा सिटी 70 की वीडियो है वो नहीं देखी, उनको पता चल जाए कि होंडा सिटी 70 की क्वालिटी वगैरह किस तरह की है और सारा कुछ वो देख सके। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा मेरे नए चैनल वीडियो विद अजान को, जो कि व्लॉगिंग चैनल है, इधर कहीं आपको आ रहा होगा आई बटन, आप उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इधर फ्रेंड्स जी, आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है होंडा सिटी 70 2023 मॉडल का ब्लैक कलर, और आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट लुक किस तरह की इसकी लुक है और ब्लैक कलर में आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा इसका 360 व्यू, आगे आपको पता चल सके कि इसकी लुक जो है वो किस तरह की है। ये आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स, तो ये हैं ग्राफिक्स इसके। उसके बाद ओवरऑल आप इसकी लुक देख सकते हैं वैसी है जैसे पहले होंडा सिटी 70 2022 मॉडल की थी, और 2022 मॉडल की वैसी थी जैसे पहले 2021 मॉडल की थी, मतलब शेप काफ़ी अर्से से इनकी यही है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, आपको मैं इसके स्टिकर्स वगैरह मेन हाईलाइट करूँगा और आपको इसका जो बैकग्राउंड है ना वो प्रोवाइड करूँगा, दिखाऊँगा इसकी जो पार्ट्स वगैरह हैं। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको नहीं पता मेरी वीडियो किस तरह की होती है, ये आप देख सकते हैं होंडा सिटी 70 2023 मॉडल के ब्लैक कलर के ग्राफिक्स। और आप देख सकते हैं इसके जो ग्राफिक्स हैं ना, उसके अंदर किन किन कलर्स का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वाइट, येलो और ब्लैक और ग्रीन शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ इसके ग्राफिक्स, पीछे सिटी 70 के ब्रांडिंग है, और ये है इसकी ब्लैक कलर। तो ये आप देख सकते हैं इसके जिधर इंडिकेटर्स लगे हैं, यहाँ पे भी ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। फ्यूल टैंक, साइड कवर और रेयर शॉक्स, ये ब्लैक कलर के होते हैं। अगर हम बात करें, आई थिंक कराची वेरिएंट होता है, उसमें ये जो मारगार्ड्स हैं ना वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, बट इसमें ये तीन चार चीज़ों का कलर का डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वॉकराउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट टायर है वो, तो इसमें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है, और टायर हमें वही मिलता है जो 4 ply का टायर है, और 2.25 का इसका टायर है 4 ply का सर्विस का इसमें टायर है। डिफरेंट में आई थिंक डिफरेंट टायर हो सकते हैं, किसी में मे भी आप लें तो कोई और इसमें ब्रांड का टायर हो, वही हमें फ्रंट शॉक्स मिलते हैं, किसी किस्म की कोई हमें चेंजिंग नहीं मिलती। ये है इसके फ्रंट शॉक्स, होंडा का एम्बलम है, इसके अलावा इसका हॉर्न है, और वही स्टैनले की हेडलाइट है जिसकी क्वालिटी पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, दूसरी चाइनीज़ ब्रांड्स की निस्बत इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये चीज़ है, वही पुराने साइड इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि काफ़ी अर्से से चलते आ रहे हैं। तो इसके बाद फ्रंट मीटर की बात करें ना, अब मुझे इसकी मीटर की, ये वाला जो मीटर है ना, इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डाउन लगी, आई डोंट नो, आई थिंक ये किसी और मैन्युफैक्चरर की है होंडा, क्योंकि दो तीन ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स।
तो ये कुछ था। अब मीटर की मैं आपको बात हो रही थी तो डिटेल से आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, यहाँ पे इसके जो जो लाइट्स हैं ना, ये ब्लैक कलर में है, अदरवाइज़ ये ग्रीन कलर में होती हैं दोनों लाइट्स। चाइनीज़ ब्रांड की बात करें उसमें कोई एक ऑरेंज और एक ग्रीन होती है। तो ये सीन है, वही मीटर, वही की हमें मिलती है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं वही सारा सिस्टम है जो एक सौ तब्दीलियों वाला था उस बाइक वाला। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप, और ग्रिप की क्वालिटी भी ठीक है। राइट ग्रिप की बात करें तो हमें वहाँ पे एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं मिलता, ब्रेक मिलती है, इसके अलावा इसकी एक रेस मिलती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पे है इसका लिड, और ऊपर वाली तरफ आप देख सकते हैं इसकी जो सीट है ना, वो जैसे कि पहले होती थी कंफर्टेबल, वैसी सीट है, अच्छी सीट है क्योंकि लास्ट टाइम इम्प्रूव की गई थी। तो अगर साइड की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका इंजन, और इंजन की जो फिनिशिंग है वो होंडा की काफ़ी अच्छी होती है। ये वही सिल्वर के सिलेंडर वाली होंडा सीडी 70 है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी फ्यूल ऑन ऑफ वाला जो स्विच है, जो आप नॉब कह लें, इसको जो भी कह लें वो चीज़ है। तो इसके अलावा इंजन की आप साइड इसका जो टॉप है उसकी बात करें, वो आप देख सकते हैं इसकी लुक। और फोर गियर ट्रांसमिशन इसमें होता है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड। और ये आप देख सकते हैं इसका साइड कवर, और वही पीछे वाले रियर शॉक्स हैं, वही क्वालिटी है जैसे पहले मॉडल्स के रियर शॉक्स होते हैं, बट इसके इंटरनली इम्प्रूव्ड हैं लास्ट मॉडल से। ये है इसके फुटरेस्ट, रियर फुटरेस्ट, और मारगार्ड आप इसका देख सकते हैं रियर। और रियर लाइट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं वही लाइट है, वही इसके इंडिकेटर्स हैं। इसकी जो पीछे आई थिंक इसको ब्रैकेट कहते हैं, ये अगर इसकी बात करें तो ये ओवरऑल प्लास्टिक वाली है, जिसके साथ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर डैमेज होती है तो पूरी ब्रैकेट ही चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है वहाँ तक ये भी प्लास्टिक ही है। तो ये चीज़ है, बाकी ये भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में। और इसके अलावा रेयर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इसके अंदर हमें डिस्क वाला तो कोई सीन नहीं मिलता, वो इसकी स्पोक्स हैं। और इसके अलावा टायर की बात करें, 2.5017 इंचेस का इसका टायर है, और 4-ply रेटिंग है इसकी। इसके बाद सिलेंसर की बात करें, आप देख सकते हैं वही सिलेंसर है जो कि हमें काफ़ी अर्से से मिलता आ रहा है, ये चीज़ है। तो इस तरफ से आप इंजन देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स, इसमें किस तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं, आप कंप्लीट डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। ये चीज़ है, ये हैं इसके ग्राफिक्स, और कैश डिपॉजिट 70 नीचे लिखा गया है इसके वाइट कलर के अंदर, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और होंडा का एम्बलम गोल्डन कलर में आता है। अगर बात करें इसकी प्रीमियम कैटेगरी की, अगर सीबी सीरीज़ की बात करें उसमें सिल्वर कलर का आता है। तो यही था आज का छोटा सा बैकग्राउंड। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि इसमें और जो रेड कलर है ना उसमें कितना सा ग्राफिक्स का फ़र्क है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपने लेनी है तो कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है कि रेड वाली लेनी है। होंडा सीडी 70 2023 का रेड और ब्लैक कलर। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने इस एंगल पे रखा हुआ है कि आपको दोनों के जो ग्राफिक्स हैं ना वो नज़र आ सकें। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, एक चीज़ तो क्लियर है कि इन दोनों के जो ग्राफिक्स के कलर्स हैं वो भी सेम है। ग्राफिक्स तो डेफिनेटली सेम होती हैं, बट जो इनके कलर्स हैं ना वो भी सेम है। ये आप देखेंगे सेम ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं ब्लैक में और रेड में, बट लुक किस में अच्छी लगती है या अपने कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के हैं कुछ दोनों के ग्राफिक्स। इसमें भी वही पैरेट येलो वाइट कलर यूज़ किया गया, उसमें भी सेम कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो ये है दोनों होंडा सीडी 70 2023 मॉडल, रेड और ब्लैक कलर। कमेंट्स में बताइएगा अगर आप परचेज़ करने वाले तो आप कौन सी परचेज़ करने जा रहे हैं और आपको कौन सी किसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगी। तो पर्सनल अगर अपनी मैं अगर बात करूँ, अपने ओपिनियन सुनना, तो मुझे जो ब्लैक कलर की जो लुक है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगी है इस मॉडल की। तो इसमें ये जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।